चंद्रयान 3 सुरक्षित लैंडिंग रोवर अनिवेश और इन सीटू वैज्ञानिक जांच पर केंद्रित। दरअसल इस मिशन पर दुनिया की सबकी निगाह लग रही है। ये मिशन भविष्य के चंद्रयान मिशन की संभावित मानव अनिवेश के लिए महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 की तैयारी की अंतिम रूप दे रहा है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। भारत अंतरिक्ष अन्वेष में लगातार रिसर्च की नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। चंद्रयान 3 एक भारतीय अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक स्थायी अभिवेशन स्थापित करना है। ये मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा संचालित किया जा रहा है। चंद्रयान और चंद्रयान 2 के मिशन के बाद अब नई मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर भारत तकनीकी कौशल और वैज्ञानिक क्षमता की प्रदर्शित करता है। सुरक्षित चंद्र लैंडिंग के रोवर अन्वेष और इंसुस्ट्रित वैज्ञानिक प्रयोग पर ध्यान देने की साथ चंद्रयान 3 की रचना भूमि और इतिहास को लेकर नई जानकारी का वादा करता है। चेन्नई 14 जुलाई को भारत तीसरे चंद्रमा मिशन के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती सोमवार को लॉन्च की पूरा होने के साथ जल्दी ही शुरू होने की उम्मीद है। भारत अंतरिक्ष में एजेंसी की सोमवार को कहा पूरी लॉन्च की तैयारी 24 घंटे तक चलने वाली प्रक्रिया का अनुकरण करने के वाला लॉन्च रिसर्च संपन्न हो गया है। 14 जुलाई को ठीक 2:50 के बाद भारत का चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान रॉकेट LVM-3 द्वारा प्रक्षेपण होने के बाद अपनी लंबी चंद्रयान यात्रा शुरू करेगा। लगभग 4 लाख किमी यात्रा के बाद चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। चंद्रयान 3 योजना की शामिल होने के बाद महत्वपूर्ण तत्वों का एक स्थायी अभिवेश और चंद्रमा की सतह पर भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा अनुसंधान कार्य शामिल होने की यह मिशन है। वैज्ञानिक तकनीकी उद्योग को चंद्रमा के तत्व के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त के लिए एक मौका दे रहा है। चंद्रयान 3 की शुरुआत और प्रक्रिया विस्तार पूर्वक नियोजन की जा रही है। चंद्रयान 3 का उद्देश्य भारत के अंतरिक्ष और चंद्रमा अनुसंधान के क्षेत्र में मौजूद करना है। भारत की वैज्ञानिक के विभिन्न अवसर के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर अध्ययन करने का अवसर देता है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वैज्ञानिक